सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की आराधना के साथ आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग नवरूपों की भक्त पूजा करते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां के बड़े ही धूमधाम के साथ पूजा की जाती है। ऐसे में लखनऊ के तमाम मंदिरों में माँ भगवती की सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ के भूतनाथ स्थित कामाख्या मंदिर में, जहां हमारे संवाददाता सागर मौजूद हैं। सागर, नवरात्र का आज पहला दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए मयूरी, इस वक्त मैं भूतनाथ मार्केट की जो माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़ेंगे और जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भक्त आए हैं सुबह से, उनमें किस तरह से एक उत्साह दिखता है। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार, किस तरह से भक्तों में उत्साह दिखा है? आचार जी बोल तो सकते हैं, भक्तों में बहुत अच्छा उत्साह है। सुबह 5 बजे से मंदिर खुला है, सुबह 5 बजे से ही भक्त आना शुरू हुए हैं। अभी कलश की स्थापना होगी, बाबा जी आएंगे, उसके बाद फिर श्रृंगार होगा माता जी का। चलिए ये पंडित जी थोड़ा कम बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, श्रद्धालु भी हैं, इन लोग से भी बात करेंगे, शायद ये बात करना चाह रहे होंगे। किस तरह से पहला दिन है आज नवरात का, किस तरह से आपको एक उत्साह दिखा, आज शुरुआत हो चुकी है त्योहारों? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला डे है आज नवरात्रि का, सुकून मिलता है मंदिरों में आके। आज हम लोग का पहला डे अच्छा लगा, 9 दिन तक रहेगा, ये हमारा संस्कृति चलता रहता है भारत का, बस इतना कहता हूँ। जय माता जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, एक और पंडित जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पंडित जी ये बताइए, सुबह से भक्तों का तांता लगा है, पहला दिन है, किस तरह से हर्ष उल्लास का एक त्योहारों की शुरुआत? अच्छा है, माँ भगवती की आज पहला प्रथम चरण माँ शैलपुत्री की पूजा है। अभी हमारे महाराज जी आ रहे हैं, कलश स्थापना करें और भक्त हमारे पूजा दर्शन किए जा रहे हैं सब। उसके बाद से जो पूजा पाठ होगा, कलश स्थापना महाराज जी करने के बाद, उसके बाद हमारे यहाँ पाठ होगा, उसके बाद आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ठीक है, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर आएँ। और यहाँ पे एक माता जी की मूर्ति है, इन्हें भी काफ़ी बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये गणेश जी की मूर्ति है और इधर ये माता जी की मूर्ति है, इन्हें काफ़ी बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये नवरात्र 2 साल में 2 बार होते हैं, एक चैत्र नवरात्र होता है और एक शारदीय नवरात्र। तो ये शारदीय नवरात्र है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जो एक बुराई पे एक अच्छाई की जीत है, क्योंकि एक जो ये जो नवरात्र है ये मनाया जाता है, जो एक महिषासुर नामक दानव था उसका अंत किया था माँ दुर्गा ने, और काफ़ी जो देवी देवता थे वो काफ़ी त्रस्त हो चुके थे और एक महिषासुर को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि इसे ना कोई देव मार पाएगा ना ही दानव। उसके बाद से जो सारे देवी देवता हैं वो माँ पार्वती के पास गए, माँ पार्वती के अंश से ही दुर्गा जी का जन्म हुआ। उसके बाद 9 दिन तक लगातार माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच काफ़ी देर तक युद्ध चला, उसके बाद 10वें दिन जो है महिषासुर का अंत हो गया। साथ ही मयूरी आपको बता दूँ कि ये बहुत ही बेहतर एक विकल्प माना जाता है कि लोग जो है एक बुराई पे अच्छाई की जीत माने। यहाँ देख सकते हैं कि भक्त लगातार आ रहे हैं और माता जी की सजावट भी हो रही है और तमाम जो है अब एक त्योहारों का मान के चलिए शुरुआत हो चुकी है और हर जगह आप देखेंगे कि जय माता दी के नारे आपको लगते नजर आएंगे। और ये माँ कामाख्या जी का मंदिर है, यहाँ पर भक्त सुबह से आ रहे हैं, लगातार इनका तांता लगा हुआ है और कुछ हैं भी लोग, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्हें लगता है कि ये हर्षोल्लास की शुरुआत हुई है और बात करेंगे। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज नवरात्र का पहला दिन है? हाँ, आज पहला दिन है, माता रानी सबको पूरे देश के प्रति माता जानी के आशीर्वाद उनका मिले सबको, उनके सभी बच्चों को। कुछ संदेश देना चाहेंगे, उपदेश देना चाहेंगे, क्योंकि
बुराई पे अच्छाई की विजय है, इस वजह से मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बुराई पे अच्छाई की विजय तो है ही, हमारे देश में शांति हो, सब जगह माँ का आशीर्वाद रहे मिले। चलिए ठीक है, ये माता जी थी, इन्होंने बात की और हमसे बात की और बताया कि इन्होंने भी एक ये निवेदन किया या फिर एक दुआ मांगी कि पूरा देश सही सलामत रहे। और मैं बात कर रहा था एक चैत्र नवरात्र के, एक शारदीय नवरात्र की, तो ये शारदीय नवरात्र है, आज पहला दिन है जहाँ पर श्याल पुत्री जो है इनकी पूजा की जाती है। 9 दिन तक लगातार पूजा की जाती है, उसके बाद से जो है 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके पीछे राम जी और रावण की भी एक कहानी है। राम जी ने भी 9 दिन तक लगातार माता की आराधना की थी और 10वें दिन रावणकांत हुआ था। रावणकांत और महिषासुरकांत दोनों का एक साथ ही हुआ था। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बाबूजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबूजी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज पहला दिन है नवरात्र का, किस तरह से हर्षोल्लास है? नहीं कुछ नहीं, ये कहना चाहूँगा कि सारे दुर्गा जी अब नवरात्रि में आए हैं तो भारतवर्ष के सारे नागरिक नागरिकों को आशीर्वाद दें कि कोई गलत काम ना करें। जयकारा लगा दीजिए। जय माता, जय माता जी। हाँ ये मैडम है, इनसे भी बात करनी है, पहले तो सबसे पहले जयकारा सुनना चाहूँगा। जी जय माता दी जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। साल भर में एक बार नवरात्र माँ दुर्गा आती हैं और पूरे देश में बहुत उत्साह से ये मनाया जाता है और बहुत लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ परिवार था जो यहाँ पर आया है पूजा करने, और दूसरी ओर बता सागर आप लखनऊ के कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं, आप वहाँ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करें कि इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता है उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी मयूरी, मैं बात करूंगा कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात कर लेता हूं, पूछूंगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। यहां पर हर भगवानों की मूर्ति, चाहे शिव जी हों, चाहे हनुमान जी हों, माँ दुर्गा जी हों, कामाख्या जी हों, तमाम जो गणपति जी हैं उनकी सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और भी भक्त लोग हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो मान्यता है मंदिर की। आप देख सकते हैं सुबह से लगातार, सुबह से बता दूं आपको कि भक्तों में हर्षोल्लास की भावना होती है कि जो आज नवरात्र का पहला दिन है और ये बहुत ही बेहतर तरीके से मैम आज पहला दिन है नवरात्र का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस मंदिर की क्या मान्यता है, कहाँ से आई हैं? मैं इंदिरा नगर से आई हूँ, सर्वोदय नगर लिबर्टी कॉलोनी। इस मंदिर में बहुत अच्छा लगता है आने में। अच्छे आ रही है यहाँ पर मंदिर? हो गया 10 से 20 साल तक। किस तरह से त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, माँ सबके घरों में आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? एक जयकारा लगा, जय माता दी। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से भक्तों में एक हर्षोल्लास की भावना है, सभी खुश हैं, सबके चेहरों में एक खुशी है क्योंकि ये त्यौहार अब शुरुआत हो चुकी है। ये माता जी का पूरा मंदिर है, ये प्रांगण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और हमने कई लोगों से बात करी, युवाओं से बात करी, युवती से बात करी, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे काली जी का भी मंदिर है और त्रिपुरा सुंदरी जी का भी मंदिर है, तमाम वहाँ मंदिर हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, इनसे ही बात करेंगे। मंदिर के संचालक लगते हैं भाई साहब, राइट राइट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तैयारियाँ पूरी हो गई हैं नवरात्र की, जो हमारे यहाँ हवन एकादशी को होता है, उसके बाद विसर्जन होगा अगले दिन, कलश स्थापना की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, थोड़ी देर में कलश स्थापित। भक्तों के लिए क्या कुछ विशेष रखा गया इस बार? हाँ हमेशा कुछ ना कुछ विशेष रखा ही जाता है, इस बार भी झांकियों की तो हम लोग बढ़िया सजाएं पिछली बार से। कोरोना काल के समय बहुत ही एक अलग सा माहौल बन गया था, आप इस माहौल और उस माहौल को देखकर आप क्या कुछ कहें? तो पहले से काफ़ी सही, धीरे धीरे सामान्य हो रहा है सब, पिछली बार की तुलना में तो भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। किसी विशेष अतिथि या फिर किसी विशेष गणमान्य की आने की यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ संदेश या सूचना है? नहीं अभी तो कोई सूचना नहीं फिलहाल। चलिए, देखा मयूरी आपने, ये थे मंदिर के ही संचालक थे और एक कह सकते हैं कि कार्यकारिणी सदस्य भी हो सकते हैं, इनसे भी बात करी। और अभी हम और भी बात करेंगे लगातार, हम यहाँ दर्शकों से बात, सॉरी माफ कीजिएगा, भक्तों से बात करते आ रहे हैं। और ये देखिए तो माँ काली जी का क्या व्यवस्था की गई है मंदिर में? जी
जी मयूरी, आपको बता दूं कि भक्तों के लिए हर बार एक विशेष व्यवस्था की जाती है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे पंक्ति के लिहाज से हो, पंक्ति बनाना हो, तमाम चीज़ें हों। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2 साल तक लगभग कोरोना ने हमें और आप सभी को डराया और एक मान के चलिए कि लोगों में खौफ का साया था। लोग मंदिर नहीं निकल रहे थे, लोगों में मंदिर से ज़्यादा अस्पताल जा रहे थे, क्योंकि हालात ऐसे आ गए थे देश में, माहौल ऐसा आ गया था कि उन्हें मंदिर जाने से, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से भी डर लग रहा था। लेकिन अब भगवान की कृपा मानिए और तमाम चीज़ें मानिए कि इस वजह से कोरोना की अब जो है काफ़ी हद तक कोरोना ख़त्म हो चुका है और अब जो है लोग अपने भगवान को, अपने आराध्य को मानने या पूजने के लिए मंदिर का रुख भी कर रहे हैं। और लोगों में एक डर की भावना जो पहले हुआ करती थी मयूरी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि देखा ये जा सकता है कि जो कोरोना काल में हमने झेला, आपने झेला, सबने झेला, सबने देखा कि किस तरह से लोग डरे सहमे रहते थे, लेकिन अब वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एक त्योहारों का एक माहौल आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार सुबह से ही दर्शक, माफ़ कीजिएगा, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें किसी बात का भी डर नहीं है, क्योंकि मंदिर प्रांगण से लेकर एक भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब ने एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि यहाँ पर लगातार लोग आएँ, पूजा करें और पूजा करें उसके बाद एक बहुत बेहतर तरीके से त्योहारों को मनाएं। हम आगे भी चलेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो एक मयूरी कोरोना का समय जो था, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और अब वो समय जा चुका है और अब लोगों में एक अच्छी भावना आ गई। जो पहले डर का एक माहौल हुआ करता था, वो डर का माहौल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है मयूरी। अब यहाँ पर एक अलग माहौल है, भक्ति भावना है, हिंदुस्तान है, देवी देवताओं का देश है, तो मान के चलिए भक्ति भावना तो होनी होनी है। कुछ बाबूजी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ बाबूजी, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम लोग। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर में? हाँ, की मान्यता श्री माँ कामाख्या जी का है। जी बाबूजी, एक कोरोना काल में मंदिरों में जाने से लोग डर रहे थे, लेकिन अब वो समय चला गया है, इसको लेके क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? कोरोना काल समाप्त हुआ है, लोगों का डर भय जो था कि संक्रमण हो जाएगा, उससे निजात मिली है, तो लोग अपनी आस्था के अनुरूप जो है फिर मंदिर में आना शुरू किए। किस तरह से हर्षोल्लास की भावना है, माता रानी सबके घर आ चुकी है और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ इस पे कुछ कहेंगे? त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू महापर्व ये जो है शारदीय नवरात्र का, नवरात्रियों में सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है और लोग अपनी श्रद्धा भक्त के साथ जो है मंदिर में आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यही सब है। अच्छा बाबूजी, जोर से बोलिए। हैं? जोर से बोलिए जय माता, जय माता की। देखा मयूरी, यहाँ पे आपने देखा कि जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं, एक हर्षोल्लास की भावना है, जयकारे की भावना भी लगातार है और जयकारा लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि देखिए जो देवी का रूप है वो एक सर्वोपरि है, इससे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि अंत में जो ब्रह्मा विष्णु थे वो, माफ़ कीजिएगा, जो विष्णु थे और भगवान शिव थे वो भी ब्रह्मा जी के पास गए और उसके बाद महिषासुर के बारे में सारी बातें बताई और महिषासुर के जो आतंक था, क्योंकि काफ़ी हद तक महिषासुर ने सभी देवी देवताओं को तंग कर रखा था, परेशान कर रखा था, क्योंकि ब्रह्मा जी की तरफ से उसे अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो अंत में क्या हुआ कि जो देवी देवता थे वो माता जी के शरण में गए, 9 दिन तक ये युद्ध चला, 10वें दिन महिषासुर का अंत हो गया। और वहीं दूसरी बात आपको बता दूं कि यही 9 दिन तक राम जी ने भी दुर्गा माता की उपासना की थी और उसके बाद 10वें दिन रावण का अंत हुआ। तो इस वजह से हम नवरात्र खत्म होने के बाद दशहरे का पर्व भी बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं और एक सच्चाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, इसको भी दर्शाते आए हैं और लगातार एक दुनिया में संदेश भी जाता है कि आप सच्चाई के साथ रहिए, भगवान आपके साथ है। हमारे साथ एक पुजारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। पुजारी जी, ये बताइए किस तरह से हर्षोल्लास की भावना है भक्तों में? बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास की भावना है भक्तों में। यह माता रानी का जो पर्व है ये 9 दिवस का इस बार है, हर बार तो लगभग कभी कभी 8 दिवस का भी हो जाता है
और माता रानी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करती हैं कि भक्तों के सारे दुखों को हर देती हैं। आज माता शैलपुत्री का दिन है जो कि बड़ा ही उत्तम दिन है। आज कलश स्थापन, भगवती की प्रथम आराधना और सुबह से ही यहाँ भक्तों का बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ है। ये पंडित जी ये बताइए, जो ये जो भक्तों का तांता ये दिन भर चलता है, क्योंकि आप तो कई सालों से यहाँ पर होंगे, अच्छा इस मंदिर की विशेष मान्यता क्या है? इस मंदिर में विशेष माता कामाख्या का मंदिर है, जो उत्तम तमंत सभी साधनाओं की देवी हैं और साथ में भद्रकाली जी का समावेश है, जो कि कोई भी अरिष्ट ग्रह शांति, कोई भी कैसी भी बाधा हो, यह मंदिर उन सभी बाधाओं का नाश करता है। और माँ कामाख्या की ऐसी कृपा होती है क्योंकि तंत्र की वही सर्वांग देवी है, तो इसलिए माँ कामाख्या की जो आराधना करता है उसे किसी प्रकार की भव बाधा की कभी नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी ये दुख नहीं हो सकता। कितने बजे से भक्तों का आना शुरुआत हो गई? यहाँ पर 9 दिन है लगातार और काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पर, तो किस तरह से मंदिर प्रांगण की तरफ से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना है, चाहे भक्त हो, चाहे लाइन हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? यहाँ उनको मैनेज करने के लिए काफ़ी लोगों को रखा गया है, लगभग 12 से 15 लोगों की टीम है जो भक्तों को मैनेज करती है, और बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है ताकि भक्तों को आसानी के साथ और सुलभता के साथ दर्शन प्राप्त कराया जा सके। यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लग जाता है, जो कि रात में 11 बजे 12 बजे तक चलता रहता है, और माँ भगवती के भक्त सेवा करते हैं और अपने दुखों को दूर करते हैं। पंडित जी हम जयकारा सुनना चाहेंगे आप। वो साचे दरबार की जय, अम्बे मातु की जय। जी मयूरी, देखा और हमने, आपने, दर्शकों ने हमारे देखा कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर प्रांगण की तरफ से एक बेहतर व्यवस्था की गई है और लोग भी लगाए गए हैं कि यहाँ पर मंदिर में किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था ना बिगड़ पाए कि जिस तरह से लोगों में आने जाने में दिक्कत है, क्योंकि 9 दिन का ये पर्व है और 10वें दिन इसकी समाप्ति होती है विजयदशमी के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत है और एक सोमवार की शुरुआत है, भोलेनाथ का दिन है। यहाँ पर लगातार भक्त भी आ रहे हैं और हमने और अपने दर्शकों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार आ रहा है, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो भक्त को जब तांता है ये लगभग रात के 11:30-12 बजे तक बना रहता है, और ऐसे ही तमाम चीज़ें हमें 9 दिन तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी मयूरी जी, धन्यवाद सागर हमसे जुड़ने के लिए। नवरात्रि पावन अवसर पर हम लखनऊ के कामाख्या मंदिर से लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।